क्या आप जानते हैं कि भारतीय ट्रेन के टॉयलेट में नॉर्मल फ्लश के साथ आपातकालीन फ्लश क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी स्त्री का रूप क्यों धारण करते हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर क्यों बैठते हैं? और क्या आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री वाले 13 नंबर को अशुभ क्यों मानते हैं? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग या बिजनेसमैन हैं, वो किसी भी कार्यक्रम या समारोह के दौरान अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर रखते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हमारे हाथों की उंगलियों और फिंगरप्रिंट्स में खास शक्ति होती है। उंगलियों के ऊपरी हिस्से की नर्व काफी ज्यादा एक्टिव होती है, जिसकी वजह से जब इंसान किसी गर्म चीज को छूता है तो नर्व तुरंत ये संदेश दिमाग तक पहुंचाती है और फिर दिमाग उसी नर्व के जरिए इंसान को उंगली हटाने का आदेश देता है। इस वजह से उंगली और उसके टिप को बेहद पावरफुल माना जाता है, जो हमारे दिमाग को सक्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर एक खास पोजीशन में बैठता है तो इस दौरान उसका दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति जो कुछ भी सुनता या पढ़ता है वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाता है। यही वजह है कि अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए अमीर और बड़े लोग हाथों की उंगलियों को जोड़कर बैठते हैं, जो पावर, बुद्धिमानी और सक्रियता की निशानी होता है। फैक्ट नंबर 2, हमारे देश भारत में 7 ऐसे शहर या नगर हैं जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शहरों को ये नाम क्यों दिया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों में सप्तपुरी को मोक्षदायक माना जाता है। इन 7 शहरों में अयोध्या, मथुरा, द्वारका, काशी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम का नाम शामिल है, जो भारत के सबसे पवित्र शहर और तीर्थ स्थल हैं। माना जाता है कि हर हिंदू को अपने जीवन में एक न एक बार सप्तपुरी के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है। यही वजह है कि हरिद्वार और बनारस जैसी जगहों पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद इंसान की अस्थियों को गंगा नदी में बहा दिया जाता है, जबकि मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों पर भगवान के कई रूपों की पूजा की जाती है और यहाँ भगवान के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप विदेश में किसी होटल में कमरा बुक करवाते हैं तो वहाँ आपको 13 नंबर का कमरा या फ्लोर देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल दुनिया भर के लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ईसा मसीह के 13 शिष्य थे और उनमें से एक शिष्य ने उन्हें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था। यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोगों के लिए 13 नंबर अनलकी होता है और वो लोग इस नंबर के कमरे, फ्लोर या घर में ठहरना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह चीन और जापान में भी 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, इसलिए लोग इस नंबर का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। भारत में भी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए कई होटल्स में 13 नंबर का कमरा या फ्लोर नहीं होता है, जबकि चंडीगढ़ जैसी स्मार्ट सिटी में 13 नंबर का कोई ब्लॉक ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि होटल लाइन में 13 नंबर को कितना बुरा या अशुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर भगवान बद्रीनाथ का भव्य और प्राचीन मंदिर है, जिसके कपाट हर साल भक्तों के लिए खोले जाते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले मुख्य पुजारी को साल में 2 बार स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है, जिसके बाद वो साज श्रृंगार के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें एक स्वरूप नर और नारायण का होता है। इस स्वरूप में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और मंदिर के कपाट खुलने के बाद भगवान की मूर्तियों को मुख्य गर्भगृह में लाया जाता है। माँ लक्ष्मी को कोई दूसरा पुरुष नहीं छू सकता है, लिहाजा मंदिर के पुजारी को स्त्री रूप लेकर माँ लक्ष्मी की सहेली बनना पड़ता है और इसके बाद ही वो माँ लक्ष्मी की मूर्ति को उठाकर मुख्य मंदिर में ला सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारतीय ट्रेनों में फर्स्ट क्लास और एसी कोच के टॉयलेट में 2 तरह के फ्लश बटन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक बटन पर आपातकालीन फ्लश बटन लिखा होता है। दरअसल सामान्य रूप से टॉयलेट यूज करने के बाद नॉर्मल फ्लश बटन को प्रेस किया जाता है, लेकिन अगर टॉयलेट में कोई चीज अटक जाती है और फ्लश नहीं होता है तो उस स्थिति में आपातकालीन फ्लश बटन को प्रेस किया जाता है।
आपातकालीन फ्लश बटन पर पानी के साथ तेजी से वैक्यूम रिलीज होता है, जिसकी वजह से टॉयलेट में फंसा हुआ कचरा आसानी से हट जाता है और ह्यूमन वेस्ट को फ्लश करना आसान होता है। ट्रेन में टॉयलेट में फ्लश के दौरान बहुत कम मात्रा में पानी निकलता है, इसलिए कई तरह की ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है। इसी वजह से ट्रेन के टॉयलेट में सामान्य फ्लश बटन के साथ आपातकालीन फ्लश बटन की सुविधा भी दी जाती है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।